उनके परिव निर्माण दिवस कार्यक्रम में जिनका हमें इंतजार था, हम सबकी लोकप्रिय नेता अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हमारे बीच में पधार चुकी है। पीछे पकड़ा दी किसी को करें। उनका ये कहना है किसान के परिवारों का कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं उनको न्याय नहीं, इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, लखीमपुर की घटना बहुत ही दर्दनाक है। हमारी पार्टी की संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने मत को रखा है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध जो न्याय संगत कार्रवाई है वो होनी चाहिए, और हमारी पार्टी ने जो इसके मुख्य दोषी माने जा रहे थे उसकी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। कानून अपना काम कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो दोषी हैं उनको उनका जो हमारे इसमें लोग जिनकी जाने गई हैं उनके साथ न्याय होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीप और जीप जीप और जीप चलाना आता है क्या? जीप और जीप अखिलेश यादव का अगले साल का तंज है। बीजेपी काम नहीं करती है, सिर्फ जीप चलाती है और लोगों को रोनती है और जीप चलाना जानती है। और बीजेपी की बात करने के लिए नहीं भैया, मेरे से मेरी पार्टी के बारे में पूछिए आप। विधानसभा चुनाव आने वाला है, सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आपकी पार्टी क्या अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी दल के साथ? कितनी सीटों पर आप चुनाव रहे? अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और तीन चुनाव हम एक साथ मिलकर लड़ चुके हैं। हम इस गठबंधन का अंग हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीटों के संबंध में अभी हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। उपयुक्त समय पर अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीटों के बंटवारे के संबंध में निर्णय कर रहा है। चुनाव में दोबारा आपकी सरकार भाजपा की सरकार आएगी क्या? देखिए, 5 साल में विकास के बहुत सारे कार्य नई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं और मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच अपने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे कि आप पिछड़ों की बात कर रही हैं, लगातार अखिलेश यादव भी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अन्य दलों के नेता भी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी क्या आगे रणनीति होगी, क्या करेंगे इनके लिए, क्या आपका उद्देश्य है? हमारी पार्टी की स्पष्ट मांग है, फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांगे हैं उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार विचार करे और उन छात्रों के साथ न्याय करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान की निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसे में देश किस ओर जा रहा है किसानों के ऊपर कार्रवाई? देखिए, किसानों के मसले पे हमारा स्पष्ट मत है कि किसानों और सरकार के बीच में स्पष्ट रूप से संवाद होना चाहिए और किसी भी प्रकार की समस्या का हल संवाद के जरिए ही निकल सकता है। मैं स्वयं अभी जम्मू कश्मीर के रजौरी होकर आ रही हूं और निश्चित रूप से वहां पर इस समय टारगेट किलिंग चल रही है, लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी की निगाह पूरी तरीके से जम्मू और कश्मीर पर है। हमारे सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। अक्टूबर से लेकर अभी तक करीब 17 जवान अपने मैंने कहा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी पूरी तरीके से अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी फौज, हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मजबूती के साथ आतंकियों के किसी भी प्रकार के हमले का जवाब दे रहे हैं।